दुनिया में कई ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जो खुद ब खुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाकयात में एक तकसीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तकसीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटी, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। मुझे मिर्ज़ा मोहम्मद अहमद बेग के नाम से याद करते हैं और मेरे वालिद का नाम मिर्ज़ा शफ़ात अहमद बेग। मेरी पैदाइश शहर में हुई, मेरठ के अंदर ख़ास, वो मेरा ननिहाल था। तो हमारे वालदैन और मैं यूँ समझे कि ननिहाल और ददियाल दोनों मेरठ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वहीं हमने मदरसे में जो है वो तालीम हासिल करी, मस्जिद करीब थी, उसमें थोड़ा पढ़ा बुनियादी तौर पर। वालिद साहब चूँकि रोज़गार के सिलसिले में दिल्ली आ गए, फिर हमें वहाँ मस्जिद में दाखिल करा दिया कि भई तुम कुरान शरीफ पहले पढ़ो। तो वो दौर ऐसा था क्योंकि हमारे वालिद साहब 1913 की पैदाइश थे और वो क्विट इंडिया मूवमेंट का दौर था, अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ थे। तो लगे भाई ये तो अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़, हम इसका बायकॉट है ज़्यादा अंग्रेज़ का हर मामले में। तो फिर वहाँ से मेरठ से ये वहाँ दिल्ली आ गए और फिर हम अपने दादा के घर आ गए मुरादनगर में, जो कस्बा है बहुत बड़ा। तो वहीं पे कुछ अरसा गुजारा, फिर वालिद साहब जब दिल्ली आए तो हम उनके साथ वहाँ शिफ्ट हो गया, गवर्नमेंट क्वार्टर अलाट हो गया। उसमें हम दो या तीन थे बस मुसलमान, ऐसे ही आगे जाके भी थे दो तीन मुसलमान बस, ज़्यादा नहीं, बाकी सब हिंदू आगे पीछे वो सारे रहते थे। और जिस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ये पहले वो तो करारदाद पाकिस्तान से शुरू हो गई थी मुसलमानों के ख़िलाफ़, लेकिन जब ये आज़ादी का दिन करीब आने लगा और ये दस्तखत होने लगे और जनाब यार लॉर्ड माउंटबेटन का वो ऐलान जब हुआ है मुआहदा, उस वक्त से जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये हंगामे शुरू हो गए। और इनका तरीक़ाकार यही था कि ये आगे से हमला करते थे, पीछे से कत्ल करते थे जाके। अब उनको आसान था शनाख्त करना मुसलमानों के घरों, क्योंकि पर्दे ज़रूर होते थे, वहाँ पीछे भी पर्दा होता था आगे भी पर्दा होता था, तो वहाँ पर वो उनको आसानी होती थी। तो इसी तरह ये जब हंगामा शुरू हुआ और फासले से वो कोई पथराव कर रहा है कहीं से कोई और, क्योंकि वहाँ उसका मसला नहीं था उस वक्त गोली वगैरह, अगर ये पथराव वगैरह करते थे और वो जो सिख थे उनके हाथ में वो बल्लम होते थे और वो चाकू जो आज तक उनके पेटी में लगा रहता है उनका कोई मजहबी निशान था, उससे वो काम लेते थे सर। और फिर ये नहीं कहीं खेत है, कहीं जो झाड़ियां हैं कहीं वहाँ भी लाशें मिलना शुरू हो गई मुसलमानों की, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था काफ़ी। तो हम जो थे वहाँ पर रातों को जागना पड़ता था कि भाई ये मालूम नहीं कब हमला हो जाए। तो वहाँ ये सिलसिला जब बढ़ गया तो फिर अच्छा हमारे यहाँ वहाँ पर कॉन्टेक्ट में रहते थे मुसलमान एक दूसरे से, लेकिन एक दिन हम शाम में बैठे हुए थे, वालदा को सी रही थी, 5-4 बजे का टाइम था, मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है कि हमारे ताया साहब आए, बड़े घबराए हुए, कह रहे भाई जल्दी करो। मैं क्या कर रहा, कह रहे बस जल्दी करो हमला होने वाला है। अच्छा भाई कैसे हमला, वो बेचारे जल्दी से उन्होंने सामान उठाया, तो हम आने वाले थे लिहाजा सब सामान हमारा बंधा हुआ था और बैकेट जैसे होते हैं उस ज़माने में रखते थे, बर्तन क्रॉकरी दूसरी चीज़ें सब चीज़ें ऐसी चीज़ रखी हुई थी, सामान जो फालतू था वो भर के रख लिया कि भाई हमने तो भाई जाना, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला, सब वैसे ही छोड़ दिया, बस जल्दी निकलो। वो जल्दी निकले और उनको सदीक साहब को बताया कि भाई वो कहाँ है गाड़ी आपकी, वहाँ तो ये खा रहा है। ताया साहब ने बताया हमारे आगे कि वहाँ ये हो रहा है सरकारी दफातर में कि कोई तनख्वाह एक को दे दी
एक को कह दिया आप उस कमरे में चले जाएं, मुसलमान को। वहाँ से जाने के बाद उसका पता नहीं चल सकता कहाँ जाता है। जो वहाँ हमने सुना वो ये था कि उसको ये सिख और हिंदू मार दिया करते थे, इस किस्म के वहाँ पर वो सिलसिला शुरू हो गया। तो ये जो घबराए हुए आए ना, तो उन्होंने कहा भाई हमारे तो वालिद साहब तो आए नहीं अभी तक, बोले कि वो आ जाएंगे मैं बता दूंगा उनको, मगर तुम निकलो यहाँ से अभी फौरन। भैया भाई निकल दी छोड़ दो, बस ऐसे ही चटखड़ी लगा दी सब पता छोड़ दी। अब ताया साहब जैसे हमारे उनका घर भी हमारे पीछे लाइन में था, वो उन्होंने उनका भी ऐसी सब सजा हुआ था घर, और वो जानमा टाइम पीस वो सब रखा हुआ तख्त के ऊपर सब, वो छोड़ दिया। तो भैया देखो अब हम गाड़ी में बैठ गए, भाई कहाँ जाना है? बोला ये पालम का एयरपोर्ट है ना दिल्ली में, वहाँ पहुँचना है क्योंकि हो सकता है वहाँ कोई निकलने का रास्ता मिले। खैर हम वहाँ से गाड़ी में बैठ गए, और अच्छी बड़ी गाड़ी थी जो हमारी वालदा और हमारे छोटे जो भाई बहन थे वो उसमें बैठ गए, उनके भी आ गए, चाय साहब भी आ गए, सब उसमें बैठ गए बड़ी गाड़ी। तो उनका एक भाई था छोटा सदीक साहब का, वो उसको कहा कि तुम लेके चलो गाड़ी को। अब सन्नाटा था, वो निकलने लेके हम सबको एयरपोर्ट की तरफ। रास्ते में जब वो मेन रोड पर आए तो पता चला कि 50-60 सिख खड़े हुए हैं उनके पास बल्लम में, और जनाब अली वो चाकू भी लहरा रहे हैं और ऐसा तैयार करने की गाड़ी आ रही है इस पर हमला कर देना। तो वो जो थे ना हमारे ताया साहब, उन्होंने कहा भाई आप ये अल्लाह से दुआ करो आप और कलमा पढ़ लो आप, हम छोटे से और कर देने नीचे झुकाओ सीट के आड़ में। हमने कलमा पढ़ लिया। अब उसने कहा कि भाई देखो मैं जो गाड़ी हूँ ना मैं भी खुद नीचे झुक रहा हूँ स्टेयरिंग के आड़ में, वो नीचे हो गए और गाड़ी जो है ना उनकी हाथ रखे हुए थे स्टेयरिंग पे, और उसने कहा कि ये इस वक्त फुल स्पीड है इसकी, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उन्होंने उठाए बल्ला ऐसे करने के लिए, और उन्हें पता नहीं क्या नारा लगाया होगा अपना जबान में है ना, और वो उन्होंने फेंक दी, उन्होंने फेंक के गाड़ी निकल गई। ये तो पहला नक्शा देखा हमने, यह तो अल्लाह ने बचा लिया। यहाँ पर पालन के वाइल्ड लाइफ पर हम कोई 3-4 दिन रहे, पाकिस्तान से वो आती थी डबल रोटियाँ वगैरह वो खाते थे, वहाँ इंतज़ाम नहीं हुआ। अब एक और दूसरी जगह है, उन्होंने कहा भाई कहाँ चले रहे हैं? फिर वालिद साहब आ गए, रात घूमते घामते सारे छुपते छुपाते कि भाई ये तो वहाँ का मसला ख़राब हो गया काफ़ी, और वहाँ आग लग रही है मकानों के, मुसलमानों के घरों को लगाए आग लगाई जा रही है। अब उन्होंने कहा कि भाई ये अभी मैं गया था वहाँ से मालूम करके आया हूँ, अब गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रक आते थे मिलिट्री के, UN फोर्सेज लगा दी थी वहाँ। दरअसल एक पुराना किला है वहाँ से दिल्ली से मजाफात में 3-4-5 मील के फासले पर, तो वो उसके दो दरवाजे थे, एक से जाओ एक से आओ, चारों तरफ उसकी झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी। अब वहाँ पहुँच गए, अब वहाँ कई हज़ार आदमी आ गया, तो एक ठेकेदार था वहाँ, उसके हज़ारहा तख्ते थे ना वो पड़े हुए थे बाहर, वो सब उसने कहा कि आप बिछाएं ले जाएं इनको यहाँ से। वो जनाब अली सब लोगों ले गए, और वहाँ पर वो टेंट लोगों ने लगा दिए, कहीं चादरें अपने सारे बन गए ऐसे ही, जहाँ जिसको जगह मिली वो बैठ गया। ये पुराना किला बहुत मशहूर है कि वहाँ पर एक तरफ से जाएं एक तरफ से आएं, वो काफ़ी दूर का फास। अब उसके तरफ भी चारों तरफ झाड़ियाँ थी, कभी 2 लाशें मिल रही हैं, कभी 3 लाशें मिल रही हैं, कभी ऐसा ये अलग अलग सिलसिला जारी है। तो वहाँ से कम 3 महीने हमने गुजारे, और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो सिद्दीक साहब की फैमिली थी उनके साथ हम रहे, तो वो हमारे जो चचा यानी कहना चाहिए कि वालिद के चचादाद भाई थे ना, वो 2-3 वहाँ मिल गए अचानक कि आप यहाँ कहाँ? मैंने कहा भाई हम तो आ रहे हैं छोड़ दिया घर हमने। कहना अच्छा आप हमारे पास आ जाएं। तो उन्होंने 2 टेंट रखे हुए थे अपने साथ, पूरी फैमिली थी, तो उनके साथ हमने वो 3 महीने फिर गुजारे बहुत। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अफरा तफरी का आलम ये था कस्मा पुरसी का कि पानी नहीं था, तो बारिश हुई तो पानी हमने टेंट से पानी जमा किया उसको पिया, एक आध ट्रक आ जाता था तो उस पर हज़ारों पिल पड़ते थे कि भाई हर एक को पानी चाहिए, पानी नहीं मिल रहा। इसी तरह जब वो वहाँ पर उन्होंने यानी आपको मैं क्या बताऊँ, वो सारी चीज़ें आँखों से देखी हुई हैं, यानी क्या इंतज़ाम होता वहाँ, टॉयलेट बनते, इन्होंने क्या किया मैदान में गड़े खोदे थे
और तख्ते ना तख्ते, ये ऐसे ट्रेंचेस खुली हुई हैं, तख्ते लगा दिए उन्होंने बराबर में, थोड़ा सा रास्ता चलने के लिए। अब वहाँ सब एक आगे पीछे बैठे हुए लोग बनाना, क्योंकि वहाँ कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कनात खींची हुई है, ख़वातीन का अलहदा बना दिया है, मर्दों का अलहदा, उसमें वहाँ जनाब आप रफ़ हाजत करें, और अब बाकी कोई और तरीका था ही नहीं, वहाँ करने वाला कोई नहीं था, मैनेजमेंट कुछ नहीं थी, और जिसके पास पैसा है तो उसको तो दो रोटियां भी मिल जाती थी, बाकी का तो बेचारों का कोई चने खा रहा है कोई बेचारा कुछ और खा रहा है, तो अपने गुजारा करना है। अब वहाँ से इतना मिली कि भाई वो एक आखिरी ट्रेन जाने वाली है 3 महीने बाद, क्योंकि वालिद हमारे और ताया ये इस चक्कर में रहते थे कि भाई यहाँ से अब कैसे निकला जाए, तो जो भी वहाँ करता धरते थे पाकिस्तानी नुमाइंदों की हैसियत से या वो इंडिया का कोई सरकारी दफ्तर होता उससे मालूम करते थे, अब पता चला कि भाई फलानी तारीख में आखिरी ट्रेन जाने वाली। आखिरी ट्रेन का क्या पता भाई, आप खबरें आ रही हैं कि वहाँ से यहाँ से लोग रास्ते में काट रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, ट्रेन कोई जाती नहीं है पूरी तरह, भाई ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। खैर वो वहाँ उसने यूएन फोर्सेस ने अपनी वो लगा दी ट्रक, मिलिट्री के ट्रक आ रहे थे और वो लोगों वहाँ से ले जा रहे थे, कहाँ पर स्टेशन चले आप यकीन करेंगे मैंने अपनी आँख से देखा, आज तक मैं भूला नहीं, बंदा बीमार ज़यीफ़ पड़ा हुआ है, तो वो चलने फिरने के लायक नहीं है, बीमार हो गई, वहाँ बीमारी अल्लाह फैलती है ऐसी जगह पर, बहुत अनहाइजीनिक माहौल होता है। अब वो उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि इसको हम लेके जाएं या यहीं छोड़ लें, अब अंदाज़ा लगा लें इस हम देख रहे हैं हमारे तो भाई आप इसे क्यों छोड़ गया, कि कह लेंगे हम कैसे उठाएं, हम तो अपने खुद मुश्किलें उठाने का, हम अपने को संभालेंगे इसको संभालेंगे, और ट्रेन का सफ़र होगा फिर यहाँ होगा, हम क्या करें, हम यही सोच रहे हैं, अल्लाह जाने क्या हुआ, तो हम तो वहाँ से चले आए थे और स्टेशन पर आ गए, वहाँ पर जना अभी रश लगा हुआ, खैर अल्लाह कर खुदा खुदा करके वो आखिरी ट्रेन पर थी, उसमें जगह मिल गई और आ गए। और वो अब ये आप देखें कि अमृतसर से आ रही है वो गाड़ी, वहाँ सिलूक हो गई, लोग परेशान थे भाई सिलूक हो गई, अब जब वो अंदर आबादी में आई है आप यकीन करना कि वो आज तक नहीं भूला मैं 81 साल की उम्र हो गई है मेरी, यानी घरों में से धुआं निकल रहा है, आग लगी हुई है, अब इसने कर दी स्लो ड्राइवर ने, और लोग चीख रहे हैं यार ये कि तो हमें यहाँ मरवा लेगा कटवा लेगा ट्रेन को, ये ड्राइवर क्या कर रहा है। बहरहाल वो सिख और हिंदू लगे हुए थे उन मकानों की तरफ, अगर वहाँ से वो हटते तो फिर यहाँ आते ट्रेन की तरफ, और वो एक लगे हुई थी क्या ना चाहिए स्टेशन पे होती है कोई वो कमरा था या वो सलाखे वाला थे, उसके पीछे खड़े हुए थे सिख और हिंदू, और हमें वो दिखा रहे थे चाकू छुरी जो उनके पास होता है कि तुम्हारी हम ये गर्दन काट देंगे, ये तो हम तो मैं भी हैरत थे कि भाई ये वालिद तो जनाब अली वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती हुई जो नक्शा देखा, कोई बेचारा गठरी लेके भाग रहा है, कोई किसी के हाथ में गोद में बच्चा है, अब ट्रेन में जगह ही नहीं, वो पहले से फुल थी, लिहाजा वो तो चल दी आगे। नतीजा फिर ये लाहौर आए, पहले हम लाहौर आने के बाद वहाँ एक आध दिन रहे ठहरे, फिर वो हमारे रिश्तेदार थे तो हमारे एक चचा थे उन्होंने वो फॉरेन ऑफिस में होते थे तो वो पहले आ गए थे, उन्होंने जाने पता वगैरह बताया, तो उनके वहाँ पर हम एयर क्लिफ्टन पे उनके जो अफसरान के बने हुए थे मकानात उसमें हम एक आध हफ्ता वहाँ ठहरे। मैंने देखा ना वहाँ का तो हाल ये था कि किसी को होश नहीं था अपना, किसी का कोई सर फटा हुआ है, किसी का खून निकल रहा है, मैंने बताया ना कैसे लोग भाग रहे थे अंदर से, ये क्या करते हैं ना इनकी पॉलिसी थी ये आगे से हमला करो आग वाग लगाओ पीछे ये भागेंगे ना फिर वहाँ काटो, ये ऐसा सिलसिला चल रहा था। और वो जो हमारे बड़े कह रहे थे ना वो सब यही जिक्र करके देखो भाई ये क्या हो रहा है, ये भले ही तो कत्लेआम हो रहा है, ये तो यही हो रहा है, चारों तरफ धुआं फैला हुआ आग लगी हुई है और पब्लिक जो है ना वो भाग रही इधर उधर, कोई उनको पनाह नहीं मिल रही इसी वजह से, क्योंकि वो खाली ट्रेन में आना चाहते थे, वो ट्रेन में जगह ही नहीं आएगा, कहीं कोई चढ़ गया, इसलिए गए 2 डब्बों के बाद एक वो जो होता है सामान का वैगन वो होती थी वो ट्रेन में, उसी में सब भरे हुए थे, उसी के ऊपर बैठे हुए थे लोग, अंदर कंपार्टमेंट तो बंद फुल हो जाता था, दरवाजे बंद कर देते
यानी खुलने की जगह नहीं, यहाँ इतना पैक चल रहा था। तो ये जब वहाँ से निकल के गाड़ी आगे आई तो ये समझे कि अंधेरा सा रात का वक्त था। तो वालिद साहब ने कहा कि ऐसा महसूस होता है पाकिस्तान शुरू हो चुका है सड़क। वालिद साहब ने हमारे नारे तकबीर लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दी। फिर उसके पूरी ट्रेन से यही नारा लगता रहा काफ़ी देर तक कि भैया अब पाकिस्तान में हम पहुँचे हैं, खुदा का शुक्र है। और फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद तो आपको पता है कि टेंट वगैरह जो है ना वो उसमें लगाए हुए थे गवर्नमेंट ने, उसमें जगह मिल गई। कैफियत तो नाकाबिल बयान है, कैफियत नाकाबिल बयान है कि हमारे वालिद साहब और जो वालदा और दूसरे थे ना, और दूसरे और भी शौक थे हमारे साथ, जो भरा हुआ था पूरा ट्रेन ही भरी हुई थी, वो जनाब अली खुशी के मारे पागल हो रहे थे कि भाई ये अल्लाह ने एक तो जान बचाई है, अब यहाँ आए और अब ये आज़ादी है उसकी। उस वो तो मतलब कहते हैं ना, बाज चीज़ें अल्फाज में बयान की नहीं जा सकती, ऐसा ऐसी कैफियत होती है बंदों को। अब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये आज़ादी कितनी कीमती है। वहाँ वो देखा वो वहाँ, फिर दूसरे वहाँ जो रिश्तेदार थे दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, वहाँ उनका भी यही खबरें आ रही थी कि भाई वो फलाने को कत्ल कर दिया है, फलाने को कत्ल कर दिया है, ये सिलसिला था। तो अमाना के आप देखें ना, जुनून किसको कहते हैं, ये जुनून है। बाप दादा आए हमारे चंद महीने पहले कि भैया आप आ जाओ, वहाँ कोई नहीं, अमन है। और माशाल्लाह अब चूँकि वो ज़मीन वमीन थी ना, जो दो दो प्रोडक्ट होती थी ना वो उनके वहाँ कमरों में जमा हो जाती थी, कल्ला वल्ला जो भी है। और पता नहीं एक दफ़ा वो पता नहीं गन्ने का खेत कुछ उन्होंने गन्ना वन्ना बोया होगा, उठा लाया हमारे लिए कि लो भैया बच्चों के लिए लाया हूँ। अब वो कह रहे हैं वालिद साहब से हमारे कि आप वहाँ आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं मैंने वहीं जाना है। भाई ये 20 मिनट का रास्ता है, 25-30 मिनट का रास्ता है, आप फजर से नमाज पढ़ के आते हो, 8 बजे यहाँ जाते हो। उन्होंने कहा नहीं मैं पाकिस्तान जाऊँ। अब अंदाजा लगा लें ये जुनून की कैफियत देगी, यानी अगर हमें कोई परेशानी हो तो हम तो अपने बाप के पास भागेंगे, भागेंगे ना भाई। नहीं यार, उन्होंने नहीं मैं नहीं जाता हूँ, मैं पाकिस्तान जाऊँगा कुछ भी हो जाए, ये तयशुदा है। कह रहे हैं भाई तुम्हें इतनी परेशानी होगी, पता नहीं क्या हाल, बोले कुछ भी हो सब चीज़ एक तरफ, जान माल सब पाकिस्तान एक तरफ, ये पाकिस्तान है। लाहौर में तो 2 दिन रहते थे, स्टेशन आगे था, उससे पहले कुछ बैरिक्स शुरू हुई थी, वहाँ ट्रेन रोकी गई थी, तो वो वहाँ उतरे, फिर वहाँ रहे, फिर वहाँ से वालिद साहब ने कॉन्टेक्ट किया किसी सूरत से कि भाई ये कहाँ पर है, तो उन्होंने बता दिया था पहले कि कराची में फलानी जगह पर है। तो फिर दूसरी ट्रेन है कराची जाने वाली थी, वो लाहौर तक ही थी जो ट्रेन आई थी इंडिया से, वो लाहौर तक ही थी। फिर दूसरी कराची जाने वाली आई तो उसमें हम बैठे, तो वहाँ बैठ के फिर कराची पहुँचे। तो वहाँ पर हमने ये वो बने हुए थे अफसरान के लिए क्वार्टर, मोहल्टा पैलेस नहीं है वहाँ, उस ऑफिस वो फॉरन ऑफिस था उस ज़माने में। तो हमारे चचा थे, उन्होंने कहा भाई मैं तो मैं कुछ दिन के लिए दिलवा देता हूँ। तो वो फिर उसके बाद वहाँ से निकल के हम गंदा गंदा गाड़ी हमारे पाकिस्तान ने पहली मरतबा देखी थी उस वक्त कि भैया तो वालिद साहब ने सारा उसमें आ गए लोग, भाई घर फैमिली वहाँ मेरे साथ, भाई चलो आप कहाँ चलना है भाई, लाइन दे रही है। तो लाइन दे रही है में वो टेंट वेंट लगे हुए थे सारे, वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पर वो सारी अल्लाह की वजह से फिर वो रफ्तार रफ्तार वालिद साहब ने जॉब का, क्योंकि वहाँ भी तो हमें आपटी डिक्लेयर किया था, उन्होंने खुद लिखा था मैं जाऊँगा, तो आपटी पाकिस्तान में आपटी है ये ऑप्शन इन्होंने दिया था लोगों को। उन्होंने अल्लाह की वजह से मैं PWD थी, तो उसमें उनको वो जॉब मिल गई, जो वहाँ थी जॉब वो यहाँ मिल गई है। तो उनको तो कहना चाहिए कि सहूलत हो गई, जब क्वार्टर बने लाइन दे रही है अंदर, ये उसी ज़माने बनना शुरू हुए। तो फिर ना खिड़की थी उसमें, ना दरवाज़ा था, खाली चौकटें लगी हुई थी। अरे भाई आप अलाटमेंट हो भाई, भाई ऐसे ही आ जाओ। उसके सामने जगह थी थोड़ी, वालिद साहब ने हमारी मस्जिद की बुनियाद वहीं रखी, वो आज भी है दारुसलाम मस्जिद वहाँ पर। अब मैंने जो किताबें पढ़ी हैं उसमें मुस्लिम फ़िलासफ़र्स अखलाकियात आदाब किस तरह बड़ों का रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, उनके वाक़ियात ऐसी किताबें पढ़ाई जाती थी, आज पता नहीं क्या पढ़ा जाता है। लेकिन एक चीज़ जो बुनियादी है और मैं उससे गुजर चुका हूँ, मेहनत अगर नहीं करी तो फिर कुछ नहीं हासिल हो सकता, डू और डाई ये है। अब अंदाज़ा लगा लें कि जब तक मेहनत नहीं होगी, आप किस सिंध में, जिसमें भी सिंध में, अगर आपने अच्छी सिंध में मेहनत करी है,
अच्छाई आपके कदम चुभेगी। अगर आपने किसी और ही सिमत में कही तो वहाँ उधर चले जाएंगे आप। हमारे जो नौजवान हैं हमारे, अब ये दूसरी चीज़ें इतनी फालतू, अब हमारे ऊपर जो कंट्रोल था, आप देखें ना, हम घर में रह रहे हैं, घर में कंट्रोल है, बाहर में, बाहर दुकानदार भी दूसरे भी सबको, वालिद साहब कह चुके थे मेरे बेटा अगर तुम इधर उधर देखो फौरन घर की तरफ। और पाबंदियाँ पहले हमें बुरी लगती थी वालदेन की, लेकिन बाद में हमें शुक्र किया अल्लाह का कि बहुत हज़ारहा बुराइयों से अल्लाह ने बचाया। तो आज का जो नौजवान है इसको चाहिए कि मेहनत करे बस। तो ये कि मेहनत ऐसी चीज़ है जो इंसान को बिल्कुल रिफाइन कर देती है, समझे ना। तो मसला यही होना चाहिए कि ये इसको ये काबिल है, मैं क्यों काबिल नहीं हूँ भाई, ये जानता है मैं क्यों नहीं जानता, मुझे भी जानना चाहिए। तो ये एजुकेशन जो है ना, यहाँ पर जो है ना एजुकेशन, ये तालीम है, इल्म नहीं है, इल्म की कमी है। नॉलेज इज़ पावर, हमें तो ये सिखाया जाता था। तो हम तो पढ़ते भी थे, सर्विस भी करी और पढ़ा भी, दोनों लर्निंग एंड अर्निंग, मास्टर इन इकोनॉमिक्स। आप देखें क्या है, वो ये है मैं टाइम सेव कर, टाइम जो है ना वो कीमती है। अल्लाह ने हर शह दी है पाकिस्तान को, किसी मुल्क में ऐसी वैरायटी नहीं मिलेगी आपको। तो ये कायद अजम की क्या बात है, ही वॉज द मैन ऑफ द वर्ल्ड, WORD, मैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ऐसे ऐसे आदमी को, जो कह दिया ना पत्थर की लकीर है। कायद अजम की क्या बात है, तो कायद अजम उनके उसमें जनाजे में शरीक था, शबीर अजम उस्मानी रहमतुल्लाह ने नमाज़ पढ़ाई थी, मैं वालिद के साथ उनकी जमात में शरीक हुआ हूँ। कायद अजम ने जवानों के मुताबिक जो फरमाते थे उनको, कि अब जब पाकिस्तान के बाद भी उन्होंने यही कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब ये तुम्हारा काम है, इसको संभालो आगे ले जाओ।